हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गोल। आज की इस वीडियो में हम इग्नू की जो एडमिशन के फॉर्म निकले हैं उसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये एक पीएचडी एडमिशन का फॉर्म निकला है जिसको फिलअप करके आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसके बारे में क्या डिटेल है हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू की एक पीएचडी एडमिशन है जो जुलाई 2020 सेशन का होगा। अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसके लिए कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे प्रिपरेशन करना है और चौथी बात किस बेसिस पर इसका सिलेक्शन होगा, इसके बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि ये जुलाई 2020 सेशन के लिए होगा और ये जो 2016 के एक रेगुलेशन थे उसके बेसिस पर इसका एडमिशन होगा। ध्यान में रखिए कि ये जो पीएचडी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी का एडमिशन हो रहा है ये रेगुलर मोड में हो रहा है, डिस्टेंस मोड में नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर सबको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। पहले ऐसा होता था जो नेट क्वालिफाइड या सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट होते थे उसको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता था, नेट क्वालिफाइड को देना ही नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से चेंजेस हो गया है। यहाँ पर आपको जो भी आप नेट हो या जो भी आपके एग्जाम की क्वालिफिकेशन हो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या निकल के आए, यहाँ पर इंटरव्यू को, इससे पहले एक होता था कि जो रिटन टेस्ट होता उसको आपको क्वालिफाई करना होता और सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। यहाँ पर चेंज कर दिया गया है क्या कि यहाँ पर 70% वेटेज दिया जाएगा आपका रिटन टेस्ट को और 30% वेटेज दिया जाएगा आपका एंट्रेंस या वाइवा को। तो इसका मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इंटरव्यू जो होता था वो थोड़ा सा बायस्ड होता था, कभी कभी बायसनेस रहते हैं अपने कैंडिडेट के प्रति, अपने डिसिप्लिन के प्रति, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर जो इंटरव्यू की वेटेज है उसको 30% कर दिया गया है। आने वाले साल में हमें यह भी देखने को मिलता है कि इसकी वेटेज और भी घटा दिया जाए और एंट्रेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो सिनोप्सिस होता है उसकी प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा रोल रहता है, लेकिन 30% करके ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो कैंडिडेट अच्छा इंटरव्यू नहीं दे सकते, उसको कोई प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज में भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि रिटन टेस्ट में इस तरह की प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो 70% जो आएगा रिटन टेस्ट में आएगा। अब रिटन टेस्ट जो होगा उसके एक सिलेबस के बारे में देखते हैं कि क्या सिलेबस दिया जाए। तो रिटन टेस्ट में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से 50% रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में, रिसर्च एप्टीट्यूड में नहीं है। रिसर्च मेथोडोलॉजी अलग चीज़ है, रिसर्च एप्टीट्यूड अलग चीज़ है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको एंटायर रिसर्च के बारे में सब कुछ जानकारी चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको कैसे रिसर्च करना है, रिसर्च क्या क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। और इसको आपका जो एनटीए यूजीसी नेट की पेपर वन है उसके साथ आप मैच मत कीजिएगा, वहाँ पर टीचिंग रिसर्च सब कुछ रहते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन से रिसर्च एप्टीट्यूड से, सॉरी रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही देखने को मिलेगा 50% क्वेश्चन, मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन, और बाकी जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर रहेगा। ये हुआ एक और बात। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर 70-30 दे गए हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा नहीं, 4 ऑप्शन रहेगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की कोई सिस्टम नहीं है, मतलब आप 100 से 100 क्वेश्चन ही आपको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम पर्पज़ के लिए। और इसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन देना होगा। एक चीज़ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको 55% मार्क्स जैसे और एग्जाम में लगते हैं मास्टर डिग्री में, यहाँ पर भी लगेगा, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको 50% मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में लाना ही होगा, तभी आप वाइवा के लिए एलिजिबल होगा। आप 50% से ज़्यादा मार्क्स जब ला रहे हैं तो वाइवा दे रहे, उसके बाद आपका जो रिटन के मार्क्स है उसको 70% काउंट होगा और वाइवा के जो मार्क्स है उसको 30% काउंट होगा। मान लीजिए 100 नंबर की वाइवा है और 100 नंबर की रिटन है, आपको रिटन में मिला 60, वाइवा में मिला आपका 50, तो आपको 60 का 70% जो है 42 काउंट होगा और वाइवा में जो 50 है उसका 30% 15 काउंट होगा, तो उसको मिलाकर आपका स्कोर आएगा 57। इस बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एक और कैंडिडेट जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो EWS कैंडिडेट है उनकी जो EWS सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च से पहले होना चाहिए, मतलब आप एप्लीकेशन कर दिया उसके बाद आपका इंटरव्यू आ गया और आप सर्टिफिकेट लेके गए हैं 31 मार्च के बाद, मतलब 1 अप्रैल या अप्रैल मास का ही आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा क्योंकि आप एप्लीकेशन इस ईयर में कर रहे हैं एज एन EWS कैंडिडेट, आपका सर्टिफिकेट इसी ईयर का होना चाहिए। ओके, सो इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हम यहाँ पर आपको बता देंगे। प्रिपरेशन कैसे करने हैं इसके लिए आप हमें जो NTA UGC नेट की सिलेबस है वो देख सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हमारे जो कोर्सेज है वो देख सकते हैं, और अगर जियोग्राफी के स्टूडेंट प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो NTA UGC नेट की जो कोर्स है वही फॉलो कीजिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी का अगर आप अलग कोर्स चाहते हैं हमसे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा कि हम एक अलग से इस एग्जाम के लिए एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स डिज़ाइन करके आपको दें। ओके, तो आपका जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम एनटीए नेट की कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।